300 करोड़ का घोटाला पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया, पूरे का दुनिया जानती है, पूरा विभाग। नमस्कार दर्शकों, पूरा विभाग ऊपर से नीचे। अच्छी बात है, हम अगर अपने बात करने आए आप में हमको पकड़ो जाके। लाइव टेस्टिंग में आपका स्वागत है और इस समय हम पहुंचे हैं शिमला के SPPWD ENC कार्यालय में, जहां पर टीओ के विधायक राकेश सिंह यहां पर पहुंचे हैं और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। मैंने उनसे पूछा है कि ENC कॉल भी बना, बाकी ENC सामने, अगर बोलते नहीं तो मैं बाहर आ जाता और मैं पहले ENC साहब से बात कर लेता। क्या मतलब बनता है आप पहले ही क्या कहते चल जाएंगे? आप इस तरीके से किसी और विधायक के साथ कर सकते हैं? कैन यू डू इट विद बीजेपी MLA? कैन यू डू इट विद कांग्रेस MLA? तो आप CPM के MLA के साथ ही ऐसा करेंगे? नहीं, गलत बात है। देखो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का काम आपका बाहर है, वहां नहीं है, वहां है। हाँ हाँ, वहां है लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज सर्वेलेंस। इसको सर्वेलेंस बोलते हैं कि जहां जो आदमी जाएगा पीछे से आप उसको लगा देंगे और फिर वो रिपोर्ट आप देते रहेंगे। कहां देनी है रिपोर्ट वो मैं नहीं जानता हूं, आप किसको देते हैं, कौन सा विंग सरकार का जहां पर ये रिपोर्ट जाती है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, है ना? आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का, है ना? बड़ा अच्छी बात नहीं है। भाई वहाँ जाए तो आप यहाँ रहे ना, आप अंदर क्यों घुस रहे हैं? आप अंदर क्यों घुस रहे हैं? आप, मेरी क्या बात हो रही है? हम खुल के बताते हैं, प्रेस को बताते हैं, है ना? पर्सनल हम नहीं करते हैं, ये सार्वजनिक है, लोगों के लिए है और मेरा अधिकार है एज एन MLA, मेरा राइट। उसमें मैंने स्पीकर महोदय से जानना चाहे कि भी सर्वेलेंस में है कि नहीं, अच्छी बात नहीं। और आप एक ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो है वो सर्वेलांस लगाया गया है, इधर को आ जाएंगे, क्या मसला है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, नहीं नहीं, दो अलग अलग मसले। जो तो सर्वेलेंस का है वो आपके सामने आप ये देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पहुंची और जैसे मैं आया और मैं रजिस्ट्रार साहब के कमरे में अंदर गया तो पुलिस भी साथ साथ में अंदर पहुंच गई। वन ऑफ द ऑफिसर्स एंटर्ड। बाहर मैंने इनसे पहले पूछ लिया कि भई आप किस बात के लिए आए, अब बता रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर। बस लॉ एंड ऑर्डर, कैसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया? मैं चुनाव विधायक हूं, मेरा अधिकार है लोगों के मसलों को रिप्रेजेंट करना, विभाग के पास जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, मेरा ये तौर तरीका है, मेरा ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का। हम सिंपल फोन पर बात नहीं करते, हम जाते हैं रिकॉर्ड कराते हैं और वो करते हैं। आज मसला ठोक के स्टाफ का मसला था, मैंने ENC साहब से पहले बात की, अनफॉर्चुनेटली आज थे नहीं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को ये सूचना दे दी थी। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई ये पुलिस का काम क्या है, तो मैंने सेक्रेटरी महोदय विधानसभा को फोन किया और मैंने उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि वो बताएं मुझे, क्योंकि मैं उनकी कस्टडी में हूं। किसी भी विधायक के जो अधिकार है, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द विधानसभा, और विधानसभा का कस्टोडियन जो है स्पीकर महोदय होते हैं और क्या कहते हैं जो सेक्रेटरी महोदय है। तो इसलिए मैंने उनसे भी जानकारी ले ली, उन्होंने भी कहा कि नहीं, सर्वेलेंस में नहीं रखा गया है। फिर मैंने इनसे जानकारी लेने की DGP महोदय को मिलाया, उन्होंने वो क्या कहते हैं अभी तक बिजी चले, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कि कोई ऐसी एजेंसी जो विधानसभा को बाईपास करके सीधे DGP से क्या कहते हैं वो आदेश दिए हो। आपको बताया है कि हालात आज क्या हो गए हैं, वो किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रह रहा है। तो मैंने सोचा उनसे ही जानकारी ले लूं, उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी बताती है कि एक विधायक फोन कर रहा है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डेड। मैंने कहा उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता हूं। तो मसला एक तो ये है, दूसरा है जो बहुत साफ हूं, स्पष्ट हूं, मैं क्लियर हूं,
कोई भी कार्य बगैर कानून के नहीं होगा। औपचारिकताएं हैं हमारे यहां पर, हम बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हमारे पास हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है FRA के प्रश्न को लेकर, FCA के प्रश्न को लेकर, लेकिन और उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा लिया है whether the FRA will remain in हिमाचल प्रदेश or not। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं, मैं विनती हिमाचल प्रदेश की सरकार से करना चाहता हूं, मेहरबानी कर ऐसे कार्य मत करो जो हिमाचल प्रदेश के FRA को ये आप सुप्रीम कोर्ट से समाप्त कर देंगे। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावशाली हैं, राजनीति जो वो सरकार के नजदीक के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो DCP से अलग अलग जगहों से वो सैंक्शन लेते हैं, और एक ऐसी सैंक्शन PWD की ली गई है ठियोग के अंदर, और अभी वो PWD ने औपचारिकता की नहीं, सड़क बन गई और फिर कहा कि इसको पास करो, बिल कहते तैयार करो। मुझे बताओ कौन बिल तैयार करेगा, इवन इफ दी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फॉरगेट दी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर राष्ट्रपति भी ऑर्डर करेगा किसी को, वो अधिकारी नहीं करने वाला है, उसकी नौकरी का प्रश्न है। मेरे एक एक CM को उस बात के लिए ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट से उन्होंने वो स्टे लाया। अब नेक्स्ट विक्टिम बन गया एक निचले स्तर का, क्या कहते हैं, जो ऑफिसर होता है वो उसका विक्टिम बन गया है। उस बात को यहां पर साझा करने में आया कि मेहरबानी कर मैं हिमाचल प्रदेश के अवाम के लिए काम करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहता हूं। जो इस तरीके के तौर तरीके आप इख्तियार करते हैं, ये बाधा बनेगी। हम 3 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट से FRA FCA के केस पर जो ग्रहण लगाए, हम उसको क्लियर नहीं कर सके। आज भी एक एक केस सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है, और ऊपर से हम दबाव इस तरीके के डालेंगे निम्न किस्म के अफसरों पर, और उनको उनके तबादले कर देंगे। दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल बी अंडर दी स्कैनर। अगर ये सार्वजनिक हो जाए बातें तो ये बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहने आया था मैं, और एक हल निकालने की कोशिश के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा पूरी से पहले पहुंची हुई, तो ये है मसला। कल रात जिस तरह से समर फेस्टिवल की क्लोजिंग थी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, काफी लोग बेहोश हुए हैं, पैदल चलने तक का रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पीछे तो सर्विलांस लगा रखता है, लेकिन वहां पर काफी अव्यवस्था दिखी, काफी लोग जो है कल हॉस्पिटलाइज हुए, एम्बुलेंस तक के लिए जगह नहीं थी, तो आपने देखिए मैनेजमेंट जो है बिल्कुल पूर हुआ है शिमला प्रशासन का। देखिए दिस इज दी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन की ये बुनियादी जिम्मेवारी है। मैं सीधा निशाना हिमाचल प्रदेश की सरकार पर नहीं डालना चाहता हूं, जो जिसकी जिम्मेवारी उसको निभाना है। आप कोई भी एक्टिविटी करे, देश के प्रधानमंत्री महोदय आए, कोई रिच पर आप गतिविधि करे, समर फेस्टिवल हो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि आपको किस तरीके से हॉस्पिटल के लिए रास्ता कैसे खोल के रखना है, और उसके लिए क्या औपचारिकता करनी है, ये जिला प्रशासन का काम है। वो बुरा ना माने मेरी बात का, मैं फ्रैंक हूं उस क्वेश्चन को लेकर। यस, इफ दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, देन इट्स दी पॉलिटिकल जो आपकी सिस्टम है उसको देखना है कि भाई ये जो इस तरीके की गलतियां रह रही है, त्रुटियां रह रही है, जान के रह रही है या ना समझी से रह रही है, उसका क्या होना है। तो बहुत दुखद है ये इस तरीके की जो सुबह हमने देखी है कि एक हनी अनेकों के साथ इस तरीके से हुआ, और फिर हम बहुत कैजुअली इन बातों को लेंगे, जिसकी बेसिक जिम्मेवारी किस कार्य को करनी होती है वो करता नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ज्यूरिडिक्शन ले लेंगे। जैसे ये आज हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए बहुत वो दिखाएंगे कि भी हम बहुत एफिशिएंट है, जो काम करना नहीं है उसके लिए आप पहुंच जाएंगे। हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है, ऊपर से आदेश आए होंगे, कहां से आए होंगे मैं कह नहीं सकता हूं, ये तो बेचारे पुलिस का जो निचले स्तर का ऑफिसर है, ही हैज टू ओबे द ऑर्डर्स दैट हैज कम, लेकिन मुझे चुभा है, उसलिए मैंने कह दिया है। हालांकि मैं रियलाइज कर रहा हूं
मुझे इनको कुछ नहीं कहना था, इनके हायर ऑफिसर जिन्होंने ये हुक्म किया वहां पर बात कहनी थी, लेकिन ये रिएक्शन था मेरा। मैं इनसे क्षमा भी मांगता हूँ, मैं कुछ इनको इस तरीके से करना नहीं चाहता था, लेकिन इट इज अ फैक्ट दैट इस तरीके की तौर तरीके नहीं करने वाला। और जिस तरह से यहाँ पर ट्यूब के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सर्विलेंस, यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस पहले ही मौजूद, यहाँ पर तो सर्विलेंस पर क्यों? और ये उन्होंने बात कही है, साफ तौर पर सवाल उठाया है कि क्यों उन्हें सर्विलेंस पर रखा गया है, क्योंकि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ ईएनसी कार्यालय पहुँचे थे। और अभी हम आपको बता दें कि ये एनसी से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पर एनसी अभी मौजूद नहीं थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। और इन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर जो पुलिस मौके पर मौजूद थी, जबकि ये अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाए हैं कि सर्विलेंस पर क्यों इन्हें रखा गया है। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।